सफर कैसा है? करम से शुरू हुआ, हसनात का अमीन मिला, इमदादे हुसैन शामिल हो गई, अहले सुन्नत जमा हो गए, खानकाहें इकट्ठा हो गई। उस अदारे को कौन नजर लगा सकता है, चाहे इबलीस ही की नजर लेके आया हो। उस अदारे को कौन नजर लगा सकता है जिस पर कादिरियों की नजर हो, चिश्तियों की नजर हो, सुहरवर्दियों की नजर हो, नक्शबंदियों की नजर हो, सारे खुश अकीदा सुन्नियों की नजर हो। मैं अब चाहूंगा कि अदारा बनाना तो इमदादे हुसैन का काम था। एक पीरजादा आया और सामने आकर के उसने बुनियाद रख दी, लेकिन उसने अपने घर वालों के लिए यह काम नहीं किया है। हजरत पीर अमीनुल हसनात शाह साहब ने ये भीरा शरीफ के लिए यहां ये मदरसा नहीं बनाया, ये इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, जामे अल करामात के लिए, आपकी नस्लों के लिए। यू मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जामे अल करम। अगर जामे अल करम को आपने दीवारों और छत का कोई अदारा समझा तो आप भूल गए कि आपकी नस्लें, आपका बेटा आपको बाप समझेगा कि नहीं, आपकी बेटी आपको रेस्पेक्ट पे करेगी कि नहीं। आने वाली हवाओं से जो अंदाजा होता है तूफान का, मगरबी तहजीब की ठंडी हवाओं में कहीं जमीन ठंडा ना हो जाए, रिश्तों की गर्मी कहीं मुंजमित ना हो जाए, अय्याशी की गर्मी में, फुहाशी की गर्मी में, बेहयाई की गर्मी में कहीं तुम्हारी नस्लों की गैरत पिघल के ना रह जाए, जरूरत है कि तुम भी इस करम के साए में आ जाओ और इस जामे अल करम को तुम न सिर्फ आज के लिए, अपने कल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्ल के लिए, इसे एक ऐसा कारखाना समझना जिसमें रबिश आता है और हेल्दी बन के लौटता है, एक आम आता है पैगंबर का गुलाम बनकर के जाता है। यहां पर वो तालीम भी दी जाएगी जिसे जो मदीने को अच्छी लगे, वो तालीम दी जाएगी जो बगदाद को पसंद आए, यहां वो तालीम भी दी जाएगी जो अजमेर वाले के दिल को भा जाए, और वो तालीम भी दी जाएगी कि हमारा कोई बच्चा मुस्तकबिल में भीख ना मांगे, बल्कि यूनिवर्सिटी की आंख में आंख मिलाकर, कॉलेज की आंख में आंख मिलाकर असली उलूम को, आज के पीरियड को, आज के रिक्वायरमेंट को, आज के टाइम के तकाजों को भी पूरा कर सके, यानी सीने वाला भी बन के निकले, मदीने वाला भी बन करके निकले, उसके पास इल्मे दुनिया भी हो और इल्मे दीन हो। दीन और दुनिया के इसी हसीन संगम का नाम जामे अल करम है। वाह।